हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे, हम समझेंगे एंटी रिमेटॉइड आर्थराइटिक ड्रग्स के बारे में, कौन कौन से ड्रग्स उसमें यूज़ होते हैं और क्या बेसिक फीचर्स हैं हमारे इस डिसीज़ का। बात करें इस टॉपिक की तो फार्मेसी के फिफ्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में इन्वॉल्व है। उसके अलावा डिटेल्ड पैथोफिजियोलॉजी हो या फार्माकोलॉजी हो, ड्रग्स फार्माकोलॉजी हो, उनके सारे वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे अवेलेबल हैं। उनके प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो हम समझेंगे इसमें बेसिक्स पॉइंट्स क्या हैं इस डिसीज़ के और क्या क्या उसमें ड्रग्स यूज होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, बेसिकली ये जो आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिसीज है वो एक तरीके से आर्थराइटिस का ही टाइप्स है। बात करें आर्थराइटिस की, जिसे हम जॉइंट पेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके जॉइंट्स वगैरह में, बोन्स में होते हैं, जिसमें पेन होता है, उसमें आपके ऑस्टियो आर्थराइटिस अलग है, आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग है। जो आरए का केस है, बेसिकली ये जो आपका है ये एक तरीके से ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है। मीन्स इसमें आपके इम्यून सिस्टम भी इन्वॉल्व होंगे और मेजरली ये जेनेटिकली होते हैं और ये आपके किसी भी एज में हो सकते हैं, बट मिडिल एज में ये प्रेफरेंस होते हैं। और अगर आप ओबेस पेशेंट हैं, आप हैवी स्मोक कर रहे हैं, ठीक है, आपके जेनेटिक डिफेक्ट्स पहले से हैं, फैमिली हिस्ट्री है, या आप फीमेल हैं, तो इनमें ये जो डिसीज है वो प्रोन होता है, अधिक होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली इस केस में आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, आपके हाथ हो, पैर हो, नी हो, वो जगह पे आपके जो जॉइंट्स के जो स्ट्रक्चर हैं, बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, स्वेल्स होते हैं, इन्फ्लामेशन होता है, आपको हैवी पेन हो सकता है, सीवियर पेन भी हो सकता है। जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारे जॉइंट्स का, जिसमें आप इजिली बोन को, उनके शेप को, उनके कार्टिलेज को देख सकते हैं। लेकिन बात करें आरए के केस में, इस केस में जो जॉइंट्स एरिया है उसमें एक तो इन्फ्लामेशन होता है, उसमें आपके इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग है, रेडनेस है, वो हो जाता है। उसके बाद जो बोन है उस जॉइंट्स एरिया का, वो बोन भी डैमेज होने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं बोन इरोजन। उसके अलावा जो कार्टिलेज है, जो कार्टिलेज हमारे जो बोन से जुड़ा होता है, उस कार्टिलेज जो है वियर अवे, मतलब कार्टिलेज धीरे धीरे बोन से छोड़ने लगते हैं, उनमें स्लाइमल फ्लूइड्स की कमी होती है और जो फ्रिक्शंस हैं आपके बोन के बीच में वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो एक तरीके से जो आपके जॉइंट स्पेस है वो भी कम हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स फीचर हैं इस आर्थराइटिस के केस में। आरए के केस में आपके ऑटो इम्यून डिसीज है, मीन्स आप में इम्यून सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, तो हाइपर जो इम्यून सिस्टम है आपका हाइपर एक्टिव होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं और एंटीबॉडीज बनते हैं जो कि अपने ही सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, खासकर इस जॉइंट्स एरिया पे, इसलिए आपको ये पेनफुल डिसीज के रूप में जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी आपके जॉइंट्स एरिया हैं उसमें आपके स्वेलिंग होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और डिफॉर्मिटीज होता है, प्रॉपरली आपके हाथ पैर जो हैं इस तरह से मुड़ जाते हैं, ठीक, क्लियर है। चलिए अब आते हैं ड्रग्स के बारे में, कौन से ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे ड्रग्स का क्लास है। फर्स्ट क्लास की बात करें हम लोग हैं, जिसे बोलते हैं डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स, DRDMARDS, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्लास हमारा है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं और इम्यून सिस्टम्स में हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उसको सप्रेस करने के लिए हम लोग मिथोट्रेक्सेट है या एजोथायोप्रीम है या साइक्लोस्पोरिन है, ये ड्रग हम यूज कर सकते हैं। जो मिथोट्रेक्सेट है या थायोप्रीम है, प्रीम है, एक तरीके से ये क्या है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं और एंटी कैंसर ड्रग्स के सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट इफेक्ट, तो उसका यूज हम करते हैं एज ए एंटी आर्थराइटिक ड्रग्स के केस में, ठीक है। उसके अलावा अदर की बात करें, उसमें हमारा सल्फासलाजिन है, आपका क्लोरोक्वीन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, आपके लेफोनोमाइड है, गोल्ड सोडियम है, थायोमेलेट है, ऑरानफिन है और डी पिनेसलनिमिन है, ये ड्रग्स भी हम लोग यूज करते हैं। जो मेन ड्रग्स हैं वो हमारे आते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, BRMS। तो इसमें बेसिकली हम TNF-alpha, जो TNF-alpha है मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है, या वो उनका लेवल जो है बहुत बड़ा होता है हमारे इस आर्थराइटिस के केस में, जो कि एक तरीके से इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, जो इंटरल्यूकिंस हैं, TNF-alpha है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर्स, वो बड़ा होता है जिससे आपको टिश्यू जो है डैमेज होने लगते हैं। तो उसका इनहिबिटर्स के लिए हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह जो हैं, जैसे की बात करें इंट्रासेप्ट है, इन्फ्लिक्जीमेप है या एडालिमोनाब है, ये सब ड्रग्स जो है हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। और इंटरलीकिन वन एंटागोनिस्ट आपका एना इंट्रा ड्रग भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स ड्रग्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं एंटी आर्थराइटिक ड्रग्स के रूप में, उसको मैनेज करने के लिए। बाकी इन ड्रग्स की डिटेल्ड फार्माकोलॉजी
ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा फार्माकोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर के प्लेलिस्ट को। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।